महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय में तंबाकू, गुटखा और पान मसाला खाने पर प्रतिबंध लगाएंगे योगी सरकार। प्रदेश में प्लास्टिक, पॉलिथीन और थर्मोकोल की वस्तुओं पर लागू रहेगा प्रतिबंध। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। दो दिवसीय महापंचायत में हजारों किसानों के साथ महिलाएं भी शामिल। सरयू तट पर भगवान राम की कांस्य की विशाल प्रतिमा स्थापित करने का ऐलान। योगी सरकार ने पिछली दीपावली से अयोध्या में दीपोत्सव की शुरू की थी परंपरा। दीपोत्सव के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शिलान्यास। विधानसभा के सामने एक बुजुर्ग ने की आत्मदाह करने की कोशिश। सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने बचाई जान। सिविल अस्पताल किया रवाना। दबंगों की दबंगई से दुखी है प्रतापगढ़ का बुजुर्ग। लखीमपुर खीरी के गड़ी रोड पावर हाउस के सामने मगरमच्छ दिखने से लोगों में हड़कंप। वन विभाग की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद पकड़ा मगरमच्छ, खंडवा नदी में छोड़ा। गाजियाबाद में बेखौफ हुए बदमाश। डिपार्टमेंटल स्टोर के लोगों को बंधक बनाकर लाखों की लूट। करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र की घटना। ग्रेटर नोएडा के जबूपुरा कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने की पशुओं की चोरी। तीन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोरी के पशु भी बरामद। शाजापुर के तिलहौली थाना क्षेत्र के पुराने रंजिश में युवक को मारी गोली। घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती। हालत चिंताजनक। पुलिस ने शुरू की पड़ताल। गाजियाबाद की आचार फैक्ट्री में बेसमेंट में हुआ हादसा। दो लोगों की मौत, एक की हालत नाजुक। बेसमेंट के टैंक में सफाई करने के लिए उतरे थे तीनों मजदूर। और झांसी पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। आधा दर्जन बच्चे झुलसे। मालिक और भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के आदेश।